हेलो फ्रेंड्स, आई एम फाइन एंड होप फॉर यू सेम। फ्रेंड्स, आज की जो रेसिपी है टोटल चेंज है थोड़ी सी। मैं आज बना रही हूँ मैरिनेटेड चिकन विद लौकी। इसमें थोड़ा डिफरेंट है जो नॉर्मल हम सालन बनाते हैं उनसे। अच्छा, इसके लिए मैंने लिए है, मेरे पास है 500 ग्राम चिकन, उसमें मेरे पास लेमन है 3। इन तीनों लेमन के मैं निकालूंगी जूस, ठीक है, यानी कि उसके जूस को मैं निकाल के इस लौकी में अच्छी तरीके से स्प्रेड करूंगी, ठीक है, विद मैरिनेशन और विद लेमन। मैं इसमें ऐड करूंगी व्हाइट पेपर यानी कि दखनी मिर्च, और ये है 1 टीस्पून फुल। इन चीजों में ये दो चीजें मैंने ऐड करके इसको मैरिनेट करना है टिल हाफ एन आवर, ठीक है। आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, विदाउट रेफ्रिजरेटर भी रख सकते हैं अगर ज्यादा गर्मी नहीं है तो। व्यूवर्स, हरी मिर्चों की मैं जो कटिंग कर रही हूँ वो बिल्कुल आड़ी कटिंग कर रही हूँ, तो आड़ी ही कटेंगी हरी मिर्चें, ठीक है। मैंने यहाँ पे काफी सारी काट के भी रखी है, सबको मैंने लॉन्गिट्यूडनली कटिंग की है। व्यूवर्स, इसके साथ मैं आपको फर्दर इन्ग्रीडियंट जो है उनके बारे में बता देती हूँ। 1/2 टीस्पून मेरे पास हल्दी, और 2 टीस्पून मैंने लिए हैं यहाँ पे धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली, जस्ट ये 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। फर्दर एक मैंने प्लेट भर के काटी है मीडियम साइज की, मेरे पास थी ऑनियंस, 7 ऑनियंस मैंने लिए हैं। आपके पास अगर बड़ी ऑनियंस है तो आप 5 ले सकते हैं एग्जैक्टली। रिमेनिंग इंग्रेडिएंट्स 2 मैंने लिए, 1/2 कप है मेरे पास योगर्ट, ठीक है, जिसको मैंने अभी बीट नहीं किया है, और यहाँ पे मेरे पास है जो मूसली में मैंने क्या किया है, इसको बिल्कुल पेस्ट बनाया है लहसुन का। मैंने मेरे पास 6 क्लोव्स थी लहसुन की, उनको मैंने कर लिया है पेस्ट। आज मैंने कहा अच्छी सी डिश हो रही है तो क्यों ना ट्रेडिशनल चीजें निकाली जाएं, और तमाम मैंने ट्रेडिशनल अपने जार्स हैं, जो बाउल्स हैं, वो वैसी रखी हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ऑयल हो चुका है हमारा, अच्छी तरह गर्म पॉपिंग हो रही है इसमें। इन दिस टाइम आई एम एडिंग ऑनियंस, इनको हमें करना है फ्राई। अच्छा, जब भी आप प्याज को फ्राई करें तो कभी भी उसको बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पे नहीं रखिए, ठीक है। हाई फ्लेम पे रखने से ये होगा कि प्याज जो है ऑयल बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेगी और डायरेक्ट जल जाएगी, फ्राई नहीं होगी। मतलब वी वॉन्ट टू लिटिल ब्राउन फ्राई इट, हमें लिटिल ब्राउन फ्राई करना है, तो इसको बिल्कुल मीडियम सी आंच पे रखें, ठीक है, और उस पर ये लाइट ब्राउन फ्राई होगी, और इसको कवर कर दीजिए। प्याज हमारी बिल्कुल लो फ्लेम पे इस वक्त हो रही है फ्राई। अच्छा, वाइल आई एम एडिंग, मेरे पास 1 टीस्पून के बराबर है जीरा, बिल्कुल साबुत जीरा है, वो मैं ऐड कर दूंगी ड्यूरिंग फ्राइंग ऑफ ऑनियन, और बिल्कुल हल्की सी आंच में मैं करूंगी इसको फ्राई। आप देखिएगा जो जीरा है इसका टेस्ट बहुत प्यारा लगेगा फ्राई होने के बाद। फ्रेंड्स, ऑनियन हो चुकी है हमारी ऑलमोस्ट ब्राउन, ठीक है, बहुत ज्यादा हमें इसको काला नहीं करना, और मैं ऐड कर रही हूँ उसमें चिकन, ठीक है जनाब, ऐड कर रहे हैं इसमें चिकन, जो मैरिनेटेड चिकन है वो ऐड कर दी इसमें। अब इसको हम करेंगे इतना फ्राई कि चिकन जो है वो ब्राउन हो जाए, आई मीन उसमें जो रेडनेस है और जो उसका कच्चापन है वो डिसअपियर हो जाए। फ्रेंड्स, यहाँ जो है हमारा जो गोश्त है वो हो चुका है सॉफ्ट एंड टेंडर, आई एम एडिंग गार्लिक जो मैंने किया है मूसली में ग्राइंड, आप इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, ठीक है, क्योंकि जब इसमें लहसुन ऐड होगा तो लहसुन का तो फ्लेवर ही इसमें जल्दी से इसको बनाएगा, रेडी करेगा, और टेस्ट भी बहुत खूबसूरत हो जाएगा चिकन का। जब मैंने ऐड कर दिया लहसुन, उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ इसमें रेड पेपर, लाल मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर। हमें फ्राई करना है चिकन ताकि चिकन में इन चीजों का टेस्ट ऐड हो जाए, और जब आप देखें कि चिकन जो है अगर आप देखें कि जलने वाली हो तो बिल्कुल लाइट सा आप पानी इसमें ऐड कर दीजिए। देखिए, मैंने जो लहसुन जिस बाउल में मैंने ऐड किया था तो वो मैंने वॉश नहीं किया, क्योंकि ऑब्वियसली पूरा लहसुन का इसमें सब चीजें शामिल हुई हैं, ये मैं स्लाइटली इसमें ऐड कर रही हूँ। फ्रेंड्स, चिकन जो है सॉफ्ट भी हो चुकी है और ब्राउन भी हो चुकी है, अब टाइम है योगर्ट ऐड करने का।
योगर्ट मैंने बीट कर ली है, ठीक है, और मैं ऐड कर रही हूँ उसको अपने सालन में। अच्छा, अब हमें फर्दर व्हाट वी हैव टू डू, हमें इसको जो योगर्ट है इसको बहुत अच्छी तरह ना इसमें मिक्स करके पका लेना है। मतलब योगर्ट का जो क्या कहते हैं रॉ योगर्ट का जो टेस्ट है ना वो खत्म हो जाना चाहिए इसमें, बिल्कुल इसको इसमें इन्वॉल्व हो जाना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से दही। उसके बाद मैं ऐड करूंगी इसमें लौकी। बिल्कुल अगर आपने इसमें ये दही डाली और दही डालते ही आपने ऐड कर दी इसमें लौकी तो लौकी आपकी अच्छी तरह पकेगी नहीं। फ्रेंड्स, ऐड हो रहा है यहाँ पे नमक, मैंने 1 टीस्पून लिया और उसके बाद लिया 1/2 टीस्पून, इट्स मीन 1.5 चाय के चम्मच ऐड हुआ है इसमें नमक। मिक्स करना है जल्दी नमक को और इसको कवर करना है अगेन। टाइम, अब जो लौकी हमारा हमारी बहुत देर से वेट कर रही है तो लौकी को अब हम ऐड कर देते हैं सालन में। और लौकी जितनी आप थिन काटेंगे ना उतना ही अच्छा आपका जो है सालन बनेगा। इसको मिक्स कर दें। फ्रेंड्स, यहाँ एक चीज मैं ऐड कर रही हूँ, मेरे पास है कश्मीरी मिर्च और मैंने ये कश्मीरी मिर्च का जो लिक्विड बनाया है ये खालिस कश्मीरी मिर्चें खरीदी हैं। आप पाउडर मत लें, आप परचेज कर लें जो साबुत कश्मीरी मिर्चें होती हैं, उनको फिर थोड़ी देर भिगोएं 1-1.5 घंटे, उसके बाद उसको आप ग्राइंड करें, यू विल फाइंड एक्सेलेंट रिजल्ट। और जो रेडीमेड होती हैं उनसे थोड़ा सा मैं अवॉइड करती हूँ। तो अब ये ऐड होंगी इसमें 2 टेबल स्पून, 1 और 2, इट्स नेचुरल सोर्स ऑफ रेड कलर खाने में जो ऐड करते हैं हम। हाँ, रेडी है हमारा लौकी विद मैरिनेटेड चिकन और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लास्ट में गरम मसाला। अच्छा फ्रेंड्स, ये बन चुका है और मैंने सर्विंग बोल में इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। फ्रेंड्स, अब आज का व्लॉग हुआ एंड। इंशाल्लाह ताला आई विल साइनिंग इन न्यू व्लॉग, न्यू रेमेडी या न्यू रेसिपी। मुझे कमेंट्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा, बेल आइकॉन पे क्लिक करना नहीं भूलिएगा। आई विल साइनिंग इन नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन अल्लाह हाफिज, टेक केयर।